हो गया ना, हो गया ये, हो गया ना फोटो, हो गए सब, हो गए ना। बाइट क्या बोलूँ मैं, मुझे ये, मुझे हम लोग को दिया गया है। गुड इवनिंग, थैंक यू। वेल वर्ड्स आर ओनली इनफ टू से थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दोनों, हम दोनों को इस अवार्ड के लायक सोचा। थैंक यू वो इसलिए क्योंकि इस उम्र में आके हमको एज अ वॉट टाइमलेस कपल अवार्ड मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है। सो थैंक यू हिंदुस्तान टाइम, थैंक यू व्यूअर्स एंड थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू, वही मेरे वर्ड्स वही होंगे ना, थोड़ी को अलग थोड़ी होंगे। पिक्चर सर, सर सर एक फोटो सर, कोई चिल्लाएगा मैं, कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई नहीं सर। सर गुड नाइट, कुछ भी होगा लाएंगे। नॉट विद द अवार्ड, व्हाई? एक तो मुश्किल से जीता, उसको बोलते नॉट द अवार्ड। नहीं भाई एक मिनट, व्हाई वुड नॉट विद द अवार्ड, मैं बताओ ना। मैं इट्स ओके, इट्स ओके सर, आई डिडंट टेलीकास्ट इट लाइक लेटर। ओके ओके सॉरी, यस, थैंक यू, थैंक यू जी। इस तरह से अपनी खुशी जताना चाहेंगे? ऐसा है कि मैंने शो पे भी बोला है, ऐसा कोई दिन नहीं था फिल्म की शूट में जब मैंने डायरेक्टर शकुन बत्रा के साथ झगड़ा नहीं किया। मुझे मेकअप के लिए 5.5 घंटे लगते थे सुबह सुबह, 6 बजे मेरा मेकअप शुरू होता था, 12 बजे सेट पे आता था, इतना परेशान। और उसके बाद मैं डायरेक्टर साहब के साथ मेरी फिर आर्ग्यूमेंट होती थी, नॉट कभी किसी कंटेंट या कभी किसी क्रिएटिव आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती थी। वो आर्ग्यूमेंट इसलिए होती थी कि यार तू कितनी बार ये शॉट लेगा, तू कितना मेरा रीटेक कराएगा, तो साइट ऑफ काइंड ऑफ इरिटेशन मुझे हो रही थी। पर देखिए सर, आज उसी की वजह से और उनकी वजह से मुझे आज ये पुरस्कार मिला है। मैं ये अवार्ड वो तमाम कपूर परिवार, जो हमारा कपूर परिवार नहीं लेकिन फिल्म कपूर सन्स के परिवार को डेडिकेट करता हूँ, उनकी वजह से मुझे ये एक पुरस्कार मिला है, और ख़ास तौर पे करण जौहर और शकुन बत्रा की वजह से। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स फॉर यू, थैंक यू। मैं जिसके लिए आया मैं उसी की बात करूँगा, आप लोग शुरू हो जाए। वेल आई होप टू सी इट बाय नेक्स्ट मंथ, वी वांटिंग टू डू दैट। जोर से बोलिए, किस बंदी पर? नहीं मुझे ये सब नहीं हो, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम दे दो कुछ यार, हो तो यार। अब क्या मुंह पे चढ़े रोगे? पीछे जाओ थोड़ा और, कौन ये लाइट बहुत स्ट्रांग है, गर्मी लग रही है। बैक प्लीज, आर यू रेडी? यू विल आस्क अ क्वेश्चन, आई विल आंसर। हूएवर इज देयर, हु इज देयर, हु इज आस्किंग फर्स्ट, कौन फर्स्ट? नहीं कौन पूछेगा, एक ही जवाब पूछूंगा मैं फिर, दैट्स ऑल। हाँ जी पूछिए, चलिए। हिंदी बोलना है, अंग्रेजी बोलना है? आई डू नॉट नो डार्लिंग व्हाट डू आई से, आई विल ओनली से व्हेन आई हैव डन द अवार्ड। आई एम जस्ट विशिंग द INCA, Indian Life Night, all the best for this endeavor of theirs. I hope that every year they do this, encourage people who have people who really are endorsing this kind of nightlife, and I hope that they hit great success, and I wish them all the best. So sir, how you enjoy your nightlife? No, that's not this question on this. Next. What cultural activities would you want to see in nightlife, like heritage walks? What other kind of activities like that would you include? Whatever is safe to the younger generation.
I do not want to encourage any kind of substance. I do not want to see that there should be any violence. They should enjoy themselves, yes, why not? Every country, every city has this kind of thing. And all of them should be responsible and enjoy themselves. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, aap logo photos? Just photos. Sab logo, aap logo ne khud apne pair pe kurani mari. Main to baat hi nahi karta. Yes. Aapne khud kurani mari hai. Ye ulta seedha question puchho. Kitna award hai? Milte nahi aapko. Sir, yes, sir. तो क्या होता है, I come for this event, मुझे आज की सामने वाला भी, इलाज सामने वाला भी, उससे क्या मतलब है कि मैं इतना नाराज होता हूँ इन लोगों से, सब सब एक्टर के साथ यही प्रॉब्लम है। अच्छा करना तो अच्छा होगा। No please, so this is another thing which I get all annoyed. Here please be not, I'm not looking anywhere else, I'm looking at you only, no? Super. Thank you very much. Thank you.